अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस ऑनलाइन सीरीज के प्रीमियम मेंबरशिप के इस बेहद ही खास एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास हम सभी चैप्टर ऑथर एनालिसिस सेक्शन में द सोल्जर, जो कि 12th इंग्लिश का 6th चैप्टर है, इसके ऑथर और चैप्टर की एनालिसिस करेंगे। और जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी चैप्टर और ऑथर की एनालिसिस वाली, तो फिर हम लोग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक एक लाइन, एक एक शब्द चैप्टर को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, और ग्रामर की क्लासें साथ में चलती रहेंगी। तो आइए आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर ऑथर इंट्रोडक्शन की ये सीरीज़ है, जिसमें 5 वीडियोस पहले जा चुकी हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। पोएट्री सेक्शन में हम सभी हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम एनालिसिस करेंगे द सोल्जर चैप्टर को। द सोल्जर आपका 6th चैप्टर है। ये दरअसल एक सोनेट है, एक वार पोयम है, या फिर ये एक पैट्रियोटिक पोयम है, ये तीनों है। ये एक सोनेट भी है, एक वार पोयम है, और साथ ही साथ ये एक पैट्रियोटिक पोयम है, देशभक्ति कविता है ये। इसे रपट ब्रुक ने लिखा है। रपट ब्रुक का जन्म हुआ था 1887 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। आइए इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। देशभक्ति से भरी हुई ये कविता है, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे, और जब एनालिसिस की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो मैं इस वीडियो को भी इस चैप्टर के आधार पे बनाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने जाना कि द सोल्जर पोयम एक सोनेट है, तो आइए मैं आपको ये बताऊं कि सोनेट क्या है। सोनेट के बारे में ज़रा डिटेल से जानते हैं। कोरम नहीं पूरा करना है हमें, हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। सोनेट क्या होता है, तो देखिए सोनेट के बारे में मैं आपको बताऊं कि सोनेट 14 लाइन की एक पोयम होती है। इट्स अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की ये पोयम होती है। दैट इज पॉपुलर फ्रॉम लेट मिडिल एज ऑन, जो कि मिडिल एज से पॉपुलर हुई और अब तक पॉपुलर है। सोनेट 14 लाइन की कविता है, और मिडिल इंग्लिश का जो समय माना जाता है 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक का, उसी एज में ये लिखने की शुरुआत हुई सोनेट की। बाय द 14th सेंचुरी एंड द इटालियन रेनेंसा, यानी इटली का जो रेनेंसा हुआ, इंग्लिश का जो नया स्वरूप सामने आया, उस स्वरूप में सोनेट की भी चर्चा हुई। रेनेंसा को रिस्टोर्स कह सकते हैं, इंग्लिश का एक नया फॉर्मेशन तैयार करना। मिडिल इंग्लिश में इंग्लिश का जब नया फॉर्मेशन तैयार हो रहा था, तो इटालियन रेनेंसा के अंतर्गत इसे लिखने की शुरुआत की गई थी। द फॉर्म हैड फर्दर मेड वेल डिफाइंड अंडर द पेन ऑफ पेट्रेच। पेट्रेच इटली के एक बहुत बड़े कवि थे, और उन्हीं की पेन से सोनेट को अच्छे से डिफाइन किया गया कि सोनेट क्या होता है, कैसे इसे लिखना चाहिए, क्या इसके तरीके हैं। पेट्रेच ने इस पर काफ़ी फोकस किया था, उसी ने इटली में इसकी शुरुआत की थी लिखने की, और बाद में वो सोनेट्स वर ट्रांसलेटेड इन 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वाइट। बाद में 16th सेंचुरी में आप देख रहे हैं कि 14वीं शताब्दी में इटालियन रेनेंसा आया, 14वीं शताब्दी में पेट्रेच ने इसे काफ़ी वेल डिफाइंड किया, और 16th सेंचुरी में सर थॉमस वाइट ने पेट्रेच के द्वारा लिखे गए जो सोनेट्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब सर थॉमस वाइट
को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में लाकर। यानी इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट नहीं होता था, सोनेट दरअसल होता था इटालियन लिटरेचर में। इटालियन लिटरेचर में पेट्रैच के सोनेट की कॉपी की थॉमस वाइट ने और इंग्लिश में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बाद में जो पोएट्स आए उन्होंने सोनेट्स लिखने की शुरुआत की, 14 लाइनों की कविता लिखने की शुरुआत की, जिसमें विलियम शेक्सपियर को महारत मिली। उसने 154 सोनेट्स लिखे अपने जीवन से संबंधित, जो कि बहुत शानदार साबित हुए, और इसके लिए विलियम शेक्सपियर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सोनेट को हम गा भी सकते हैं, ये गाने योग्य कविता होती है। आइए मैं सोनेट की स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसी होती है। तो सोनेट कविता लिखने का एक तरीका है जिसमें कुल 14 लाइनें होती हैं। शुरू की 8 लाइनों को कहा जाता है ओक्टेव और अंत की 6 लाइनों को कहा जाता है सेस्टेट। तो सोनेट में 8 लाइन और 6 लाइन ऐसे करके बटा हुआ है। पहली 8 लाइन होती है, दूसरी 6 लाइन होती है। 8 लाइनों को ओक्टेव कहते हैं और 6 लाइनों को सेस्टेट कहते हैं। ये सोनेट का स्ट्रक्चर होता है। और आपका जो पोयम है द सोल्जर, आप चाहें तो देखिएगा अपनी बुक में, 2 स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा 8 लाइन का है, दूसरा स्टेंजा 6 लाइनों का है। यानी वो एक सोनेट है और इस चीज़ को वो पूरा कर रहा है। आगे जानते हैं रपट ब्रुक के बारे में। तो रपट ब्रुक बहुत सुंदर थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1915 में ही हो गई। यानी बहुत कम जिंदगी उन्होंने जी है अपनी। आप देख रहे हैं 1887 में जन्म हुआ और 1915 में ही उनकी डेथ हो गई। वो एक वार पोएट थे, एक सैन्य कविताएं लिखने वाले व्यक्ति थे, और द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सबसे स्मार्ट व्यक्ति थे, सबसे सुंदर व्यक्ति थे। हो सकता है आप ये हैंडसमेस्ट पे कमेंट करें कि सर आपने ये गलत लिखा है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मॉडर्न इंग्लिश में मोस्ट हैंडसम होना सही है, पर मिडिल इंग्लिश की बात की जा रही है। और एक बहुत अच्छे कवि थे डब्ल्यू बी येट्स, उनकी ये लाइन है। उन्होंने द सोल्जर के लिखने वाले राइटर रपट ब्रुक के लिए ये लाइन कही थी कि रपट ब्रुक अपने समय के सबसे सुंदर व्यक्ति थे। तो मैंने अपनी लाइन नहीं दी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप देख सकते हैं इसे, ये डब्ल्यू बी येट्स की हूबहू रिपोर्टेड स्पीच मैंने यहाँ लिख दी है। तो रपट ब्रुक कौन थे? तो रपट ब्रुक एक वार पोएट थे। जन्म कब हुआ इनका? तो 1887 में हुआ, और मृत्यु कब हुई उनकी? तो 1915 में हुई। आगे जानते हैं इनके बारे में। तो रपट ब्रुक, अभी तो सैनिक के वेशभूषा में आप इन्हें देख रहे हैं। तो रपट ब्रुक वॉज अ फेमस ब्रिटिश सोल्जर पोएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के सेना में ये एक सोल्जर थे, और सोल्जर के साथ साथ ये एक पोएट भी थे। तो रपट ब्रुक प्रसिद्ध थे, इंग्लैंड के सेना में वो शामिल थे। ही वॉज काउंटेड इन द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 19th-20th century। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जितने भी महान कवि हुए उनमें गिनती होती है रपट ब्रुक की। रपट ब्रुक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। ये एक इंग्लिश सोल्जर थे, यानी एक सेना के अधिकारी थे, सेना में थे ये। आगे जानते हैं। तो रपट ब्रुक वॉज एन इंग्लिश सोल्जर। ही रोट 5 वार पोएम्स, 5 वार पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, जिसमें एक वार पोएम आपका ये चैप्टर है द सोल्जर, और भी 4 वार पोएम्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। मन से पढ़िए बिल्कुल मेरे साथ। रपट ब्रुक पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहली जब विश्व युद्ध हुई तो पहली विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी उन्होंने भी लड़ा था। एंड इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म
और उन्होंने पैट्रियोटिज्म को, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। इन अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1915 में ही रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई, देश के लिए शहीद हुए, तो इनकी शहादत, इनका शहीद होना, अपने देश के लिए मर मिटना, ये इंग्लैंड में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। इस चीज से इंग्लैंड के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ा, तो देशभक्ति की भावना को उन्होंने बढ़ावा दिया था। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई ये जानते हैं। तो ही वॉज डेड ऑफ सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया दरअसल एक बीमारी होती है, एक इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द एजियन ऑन द वे टू अ बैटल एट गैबीपोली। वो जा रहे थे युद्ध के लिए, युद्ध के लिए वो जा रहे थे, तो एजियन सी में किसी टापू पर, लेमनोस आइलैंड पे ये लोग रुके, और वहीं एक बैक्टीरिया के काटने से इनके शरीर में ब्लड इन्फेक्शन हुआ, ब्लड पॉइजनिंग हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, और इनके साथियों को इन्हें उसी टापू पर दफनाना पड़ा। आप ये देख रहे हैं, उसी टापू पर इन्हें दफना दिया गया, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्रूक। तो इनके साथियों ने एजियन सी के उसी टापू पर इन्हें दफना दिया, यानी देश की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। मैं आपको बताता हूँ सेप्टिसीमिया क्या होता है। तो सेप्टिसीमिया इज अ सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ये खून का एक इन्फेक्शन होता है। आप देखिए, जिसको सेप्टिसीमिया हो जाता है उसका शरीर कैसा हो जाता है। मैंने इस फोटो को डालकर आपको समझाने की कोशिश की है। किसी का पैर है ये, और सेप्टिसीमिया होने के बाद ब्लड इन्फेक्शन हुआ है उसके शरीर में, और उसमें किस तरह का, कितनी गंदी दृश्य आपको ये दिखाई दे रही है। इट्स ऑल्सो नोन एज ब्लड प्वाइजनिंग, इसे ब्लड प्वाइजनिंग भी कहा जाता है। खून में ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया मिल जाते हैं, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, जहाँ जहाँ शरीर में ब्लड जाता है वहाँ वहाँ, चाहे वो लंग्स हो या स्किन हो, हर जगह ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी ब्लड इन्फेक्शन ने रॉबर्ट ब्रूक की जान ले ली। वो देश की रक्षा के लिए जा रहे थे, देश की रक्षा करते समय उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है डब्ल्यू बी येट्स की। डब्ल्यू बी येट्स एक आयरिश पोएट थे, इरिस नामक जगह है एक, वहीं के कवि थे, एक ड्रामाटिस्ट थे, और इरिस इंग्लैंड ब्रिटेन में ही आता है, मैं आपको बता दूँ। तो ड्रामाटिस्ट थे, एक प्रोज राइटर थे, और वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20वीं शताब्दी का जो साहित्य है उनमें एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी उपलब्धि थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे डब्ल्यू बी येट्स। और रॉबर्ट ब्रूक के लिए इन्होंने लाइन कही, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति उन्होंने कहा था रॉबर्ट ब्रूक को, डब्ल्यू बी येट्स ने। अब रॉबर्ट ब्रूक के वो पांच वार पोयम कौन कौन से थे? तो एक था ग्रेट लवर, ये भी एक वार पोयम था, द सोल्जर हमारा चैप्टर ही है, द डेड, हेवन, द ओल्ड विक्रेज, ग्रैंट चेस्टर, ये उन्होंने पांच वार पोयम्स लिखी थी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट ब्रूक ने कितने वार पोयम्स लिखे थे? आप आंसर करेंगे 5 वार पोयम्स। देखिए, मैं स्लाइड में जितना कुछ भी आपको दिखाता हूँ, क्लास में जो भी आपको पढ़ाता हूँ, वो सभी एग्जाम्स के आधार पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। मैं आपका और अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करता, इसको ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं बनेगा आपसे। आइए हम इस चैप्टर के समरी के बारे में जरा जान जाएं कि ये चैप्टर कैसा है, जरा इसकी डिटेल को देख ले हम लोग। तो द सोल्जर इज अ पोयम बाय रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रूक ने इसे लिखा है, रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के फर्स्ट साल में लिखा गया कविता था, 1914 में। इट इज अ डीपली पैट्रियोटिक
पूरी तरह से बहुत गहरी देशभक्ति इसमें मिलेगी आपको, आदर्शवाद मिलेगा आपको इस कविता में। और ये एक्सप्रेस करता है, ये व्यक्त करता है एक सैनिक के प्यार का अपनी मातृभूमि के लिए। एक सैनिक अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करता है, किस हद तक टूट के प्यार करता है अपने देश की धरती से, ये पोयम बताता है आपको। इन दिस केस इंग्लैंड, यहाँ इंग्लैंड की चर्चा है, हर जगह कवि ने इंग्लैंड से प्यार किया है, इंग्लैंड की चर्चा की है। विच इज़ पोर्ट्रेड एज काइंड ऑफ नेचरिंग पैराडाइज, और कवि ने इस चैप्टर में इंग्लैंड को पैराडाइज के रूप में पोर्ट्रेट किया है, यानी कि कवि ने इंग्लैंड को स्वर्ग के रूप में बताया है, स्वर्ग के रूप में बताया उन्होंने इंग्लैंड को। इंडीड सच इज द सोल्जर्स बॉन्ड विद इंग्लैंड दैट इज दैट ही फील्स हिज कंट्री टू बी बोथ द ओरिजिन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड द प्लेस टू विच हिज कंसिक्वेंस विल रिटर्न व्हेन ही डाइज। कवि अपने आप को ऐसी बॉन्डिंग दिखाता है इंग्लैंड के साथ, ऐसा रिश्ता वो इंग्लैंड के साथ दिखाता है कि आज जो हवा उसे मिल रही है इंग्लैंड में जिंदा रहने के लिए, जो दृश्य वो देख रहा है, जो आवाज़ें वो सुन रहा है, ये सारी चीज़ें उससे मिलती रहेंगी, ये सारी चीज़ें अस्तित्व में रहेंगी उसके मर जाने के बाद भी। इंग्लैंड से उसका जुड़ाव ऐसा है कि जीते जी जो चीज़ों को उसने महसूस किया है, मरने के बाद भी इंग्लैंड में वो सारी चीज़ों को महसूस करता रहेगा, ये इस चैप्टर में कवि ने चर्चा की है। अब आइए हम टेस्ट योरसेल्फ को शुरू करते हैं और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। 5 सेकंड का समय आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। ये छोटे छोटे इंट्रो बड़े काम आएंगे आपके। रॉबर्ट ब्रूक इज अ पोएट, रॉबर्ट ब्रूक कैसे पोएट हैं? 5 सेकंड है आपके पास। रॉबर्ट ब्रूक कैसे पोएट थे? जी, वो एक वार पोएट थे। राइट आंसर, वो एक वार पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप कमेंट जरूर कीजिए। द सोल्जर इज अ पोयम, द सोल्जर किस तरह का पोयम है? लव पोयम है, हैप्पी पोयम है, नेचर पोयम है या वार पोयम है? द सोल्जर किस तरह का पोयम है? जी, ये एक वार पोयम है। राइट आंसर है, रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइड्स ऑफ एन सोल्जर। रॉबर्ट ब्रूक बात करते हैं, वेशभूषा में आके बात करते हैं। कहाँ के सैनिक की वेशभूषा में है वो? किस देश के सैनिक हैं रॉबर्ट ब्रूक? अमेरिका के, इंग्लिश के, यूरोपियन के, फ्रेंच के? कैसे सोल्जर हैं वो? इंग्लिश सोल्जर है वो, इंग्लैंड के सोल्जर हैं वो। द सोल्जर इज रिटन बाई, द सोल्जर ये कविता किसने लिखी है? सब कोई जानता है, रॉबर्ट ब्रूक ने इसे लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ, यानी द सोल्जर कविता का जो लेखक है वो क्या है? सोल्जर है, फार्मर है, बिजनेसमैन है या लॉयर है? सोल्जर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द सोल्जर इज अ, द सोल्जर ये जो चैप्टर है आपका वो क्या है? वो ओड है, सोनेट है, लिरिक है या वर्स है? क्या है? 5 सेकंड दिया मैंने आपको, द सोल्जर क्या है? जी, आपके जवाब सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे। द सोल्जर एक सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पोयम कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट, यानी सोनेट बनने के लिए किसी पोयम में कितनी लाइनों की जरूरत होती है? कितने लाइन देंगे तो सोनेट बनेगा? 5 सेकंड दिया मैंने आपको, 14 लाइन देंगे तो सोनेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डॉट डॉट फेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के किस फेस में रॉबर्ट ब्रूक ने मरकर, शहीद होकर देशभक्ति की भावना को बढ़ाया था? अर्ली फेस में, मिडिल फेस में, लेट फेस में, लास्ट फेस में? किस फेस में? अर्ली फेस में, राइट आंसर है, अर्ली फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूक रिमेंबर्ड एज अ, रॉबर्ट ब्रूक को याद किया जाता है किस रूप में? जॉर्जियन पोएट के रूप में, ट्रेंच पोएट के रूप में, वार पोएट के रूप में, रियलिजिस्टिक पोएट के रूप में?
किस पोएट के रूप में रॉबर्ट ब्रूक को याद किया जाता है? कमेंट करें जी। उन्हें याद किया जाता है वार पोएट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1887। लास्ट क्वेश्चन कि हु टोल्ड रॉबर्ट ब्रूक वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम? रॉबर्ट ब्रूक अपने समय के सबसे सुंदर व्यक्ति थे, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, डब्ल्यू बी एट्स ने कहा था, या जॉन किट्स ने कहा था? किसने कहा था कि रॉबर्ट ब्रूक अपने समय के सबसे सुंदर कवि हैं? जी, डब्ल्यू बी एट्स ने कहा था। एक और क्वेश्चन मात्र बच गया, रॉबर्ट ब्रूक कितने बार पोयम लिखे थे अपने जीवन में? कितने बार पोयम रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। हाँ, 5 बार पोएम्स उन्होंने लिखे थे अपने पूरे जीवन में। इस तरह से आपने इस चैप्टर की एनालिसिस पढ़ ली, क्वेश्चंस बना लिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के VVI क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से हम क्लास में पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और आप सीखिए। ये प्रीमियम मेम्बरशिप की 6th क्लास है, और थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।